हाई कोर्ट ने बग्गा नूं अंतरिम राहत दिती है। 5 जुलाई तक बग्गा दी गिरफ्तारी ते रोक है ते बग्गा दे घर जाके पुछगिछ कर सकती है पुलिस। एक दो दिन दे विच दो बार पुछगिछ कर सकती है पुलिस। पुछगिछ दे लई 3 अफसरां नूं इजाजत दिती गई है। वड्डा अपडेट इस मामले दे विच जिथे 5 जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती पर उसके घर जाके पुछगिछ जरूर की जा सकती है। दो बार एक दिन दे विच दो बार पुछगिछ हो सकती है ते 3 अफसरां नूं इसकी इजाजत दी गई है। सो पंजाब पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है वह इन्वेस्टिगेट कर सकती है। कुछ अधिकारियों की चोण की गई है। 3 अफसरां नूं इजाजत दी गई है जो बग्गा दे घर जाके एक दिन दे विच दो बार पुछगिछ कर सकते हैं पर 5 जुलाई तक गिरफ्तारी बग्गा की नहीं हो सकती। 2 महीने की तकरीबन राहत तजिंदर पाल बग्गा नूं। देयरफॉर अगली डेट तक किसी भी तरह की कार्रवाई अरेस्ट या स्टे की जाए। उसमें कोर्ट ने पास किया है कि दो बार इस सीनियर पुलिस ऑफिसर एट द रैंक ऑफ IPS उनके घर में जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता और इन द प्रेजेंस ऑफ हिज काउंसल एंड दे हैव टू बी वेरी पोलाइट। तीसरा 3 बंदर से ज्यादा उसके घर पे नहीं जाएंगे। 2 बार ऐसी परमिशन दी है पुलिस को टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग और इसमें कोई चलान आगे प्रेजेंट नहीं होगा। कोर्ट ने क्लियरली वो भी स्टे दिया है। 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी, आज ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही साबित होती है। आज देश के न्यायालय ने दर्शा दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। जो पंजाब पुलिस जिसने अपनी वीरता से आतंकवाद को परास्त किया उस पंजाब पुलिस के ऊपर अगर किसी ने डिफेम करने का काम किया है तो उसके लिए अकेला व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल को आज फिर चुनौती देता हूं, आप 1 नहीं 100 फर्जी FIR कीजिए, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं है। मैं आपसे रोज सवाल पूछूंगा कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल में डाला था, क्यों नहीं डाला। मैं आपसे रोज सवाल पूछूंगा कि आपने कहा था कि पंजाब में सत्ता तुसी पी ली लेकिन दरवाजे बंद ने ते तुसी ये कहो कि मैं चाह तां पिलाती लेकिन डिटेन नहीं किया। सो ये तो कोर्ट देखेगी ना कि डिटेंशन सीगी कि नहीं सीगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मामले की अगली सुनवाई जी है 5 तरीक न होएगी। दस दिए कि 2 क्योंकि पटीशन सगिया जिड़िया पंजाब सरकार वालों जो हाईकोर्ट के रुक किया गया सीगा उस मामले ते 5 जुलाई में सुनवाई होगी। तजिंदर बग्गा वालों जो FIR खारिज करने लेके पटीशन दाखिल की गई सी उस मामले ते 6 जुलाई में अगली सुनवाई होगी। कैमरामैन अश्विनी दे नाल लतिका महेश भी सी मीडिया चंडीगढ़। 5 जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी से रोक लग गई है। हालांकि इतने तुम्हें यह दस दिए कि जे गिरफ्तारी नहीं हो सकती इसका मतलब यह नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। बग्गा के घर जाके पुछगिछ कर सकेगी पुलिस। एक दिन दे विच दो बारे पुछगिछ हो सकेगी ते इस पुछगिछ के लिए 3 अफसरों इजाजत दी गई है। सो इन्वेस्टिगेशन जरूर इस मामले दे विच जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी ते रोक लगाई है। 5 जुलाई तक गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 6 जुलाई नू अगली सुनवाई होनी है बग्गा दे घर जाके पर मीनवाइल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मैं न्यायपालिका का हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस अपने एक एक कार्यकर्ता जो हजारों कार्यकर्ताओं ने इस समय हमारे साथ खड़े होकर एक परिवार की तरह हमें ये दिखाया है अपनी मजबूती को दिखाया है इसके लिए मैं सभी का आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और न्यायपालिका पर हमें भी हमें पूरा भरोसा है जो उन्होंने आज किया है आगे भी वो न्याय ही करेंगे। सो तजिंदर पाल बग्गा दे माता जी नूं तुसीं सुन रहे सी जिन्हां ने भाजपा वर्करां दा पार्टी दा धन्नवाद कीता है कि इह एकजुटता दिखाई है एक संगठन दी परिवार दी एकजुटता है ते इस करके उन्हां ने उन्हां दा शुक्रिया अदा कीता धन्नवाद कीता। इसे ते साडे ब्यूरो चीफ पंजाब नितिका महेश्वरी साडे नाल जुड़ चुके ने सिद्धे उन्हां दा रुख करांगे। सो नितिका अज हियरिंग दौरान की कुछ अहम ते खास रहा?
देखो कई घंटे जी इस मामले से बहस चली अमृता बहुत ईजी लैंग्वेज समझा देने क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एक सुनवाई 5 जुलाई कह रहे हैं एक 6 कह रहे हैं दरअसल दो क्योंकि पटीशन सी जिससे सुनवाई हुई है एक पंजाब सरकार वालों हेबियस कॉर्पस पाई गई थी तो याद होएगा जो पंजाब पुलिस के जेडे ऑफिसर सके नाले तजेंद्र बग्गा हरियाणा पुलिस वालों रोक लिया गया एक उस मामले के सुनवाई हुई उस मामले के तजेंद्र बग्गा राहत मिली है गिरफ्तारी से 5 जुलाई तक रोक लगी है नाले कह कि कोई भी कोर्सिव एक्शन जड़ा है वह बग्गा के खिलाफ नहीं लिया जाएगा ना ही 5 जुलाई तक किसी भी तरह का कोई चलान जड़ा है इस मामले के पेश किया जाएगा कोर्ट के इस मामले के यह कोर्ट का जड़ा है वह फैसला रहा फिर दूसरी पटीशन की गल की जाए तो तजेंद्र बग्गा वालों जी पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की सी उस तो रद्द करने की जी मांग की हुई सी उस मामले पर सुनवाई हुई तो इन्वेस्टिगेशन जी है इन्वेस्टिगेशन स्टे लगा की मांग की गई सी नाल ही कहा गया इस FIR रद्द किया जाए इस लैके पंजाब सरकार वालों आर्ग्यू किया गया कि इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरह का स्टे नहीं लगाना चाहिए तजेंद्र बग्गा जी दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है पहला भी कई मामलों उन्होंने FIR दर्ज है यही कारण है कि हूँ तक एंटीसपेटरी बेल जी है वह बग्गा वालों हाईकोर्ट के हाले तक एंटीसपेटरी बेल जी है वह उन्होंने वालों दाखिल नहीं की गई इसको लेकर उन्होंने वालों आर्ग्यू किया गया जिसके चलते कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने लिए किया है हालांकि कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो तजेंद्र बग्गा के घर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है 6 जुलाई तक यानी कि जी बग्गा वालों पटीशन पाई गई है उस मामले 6 जुलाई सुनवाई होनी है तो 6 जुलाई तक दो बार इन्वेस्टिगेशन टीम जी है वह बग्गा के घर जाके पूछगिछ कर सकती है पर एक एक घंटे लिए पूछगिछ जी है वह की जा सकती है तो यह जी इन्वेस्टिगेशन टीम रहेगी वो 3 ही ऑफिसर जोड़े ने रह सकते हैं IPS रैंक के जोड़े ये ऑफिसर रहनगे नाल ही वकील जोड़े हैं वह नाल रहनगे नाल ही यह कहा गया है कि जड़ा हाले तक कोई कोर्सिव एक्शन जड़ा है वह बग्गा के खिलाफ नहीं लिया जाएगा यानी कि कह सकते हैं एक पास बग्गा नू रिलीफ भी मिले कि कोई गिरफ्तारी उन्होंने नहीं हो पाएगी पर दूजे पास कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो इस वेले स्टे नहीं लगाया जा सकता इन्वेस्टिगेशन जी है वह बग्गा ज्वाइन करनी पेगी पर तो अंदाज है कि आर्ग्यूमेंट्स जोड़े काफ़ी लंबे हुए क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ तो सीनियर एडवोकेट पेश हुए उन्होंने वालों यह दसया गया कि असं किसी भी पुलिस ऑफिशियल डिटेन नहीं किया दिल्ली कोर्ट के जोड़े ऑर्डर से सर्च वॉरेंट से असं सिर्फ और सिर्फ उसकी पालना की है हरियाणा वालों हरियाणा के AG बलदेव महाजन पेश हुए थे उन्होंने वालों कहा गया असं सिर्फ और सिर्फ जोड़े ऑर्डर दिल्ली कोर्ट के सके तो ही दिल्ली पुलिस वालों जी इन्फोरमेन दी गई थी उसनों फॉलो किया है तो असं किसी को डिटेन नहीं किया यानी कि दिल्ली पुलिस के नाल ही हरियाणा पुलिस उन्होंने वालों साफ तौर पर यह कहा गया कि असं पंजाब पुलिस के किसी भी ऑफिशियल डिटेन नहीं किया तो फिलहाल अज काफ़ी घंटे बहस होने तो बाद हुन मामले की अगली सुनवाई जी है वह 5 जुलाई में होगी बहुत शुक्रिया नितिका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद